नमस्कार दोस्तों, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। बॉडी पर अनचाहे बाल लड़कियों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। अक्सर लड़कियां शरीर या बालों से छुटकारा पाने के लिए कई तरीके का इस्तेमाल करती हैं। इसमें वैक्सिंग करना हो या ट्रिमर से ही बालों को साफ करना हो। स्किन पर रोजाना रेजर करने से आपको त्वचा से संबंधित कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ महिलाएं शेविंग भी करती हैं। शेविंग करना एक या दो बार करना स्किन पर ज़्यादा प्रभाव नहीं डालता, लेकिन रोजाना रेजर से स्किन पर बालों को साफ करना गलत होता है। खासकर सर्दियों में स्किन सभी की रूखी रहती है, ऐसे में सर्दियों में बिल्कुल भी रेजर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रेजर का इस्तेमाल करने से स्किन के लिए हो सकते हैं नुकसानदायक। कई लड़कियों को ये भ्रम रहता है कि हाथ और पैर पर रेजर का इस्तेमाल करने से बाल मोटे हो जाते हैं या फिर इसे करने के बाद बाल ज़्यादा उगते हैं, लेकिन यह सिर्फ एक मिथ है। जब आप शेव करते हैं तो यह बालों को जड़ से नहीं तोड़ते हैं, इसलिए जब बाल दोबारा उगते हैं तो बाल थोड़े ठोस के साथ ग्रोथ करते हैं। लेकिन कई बार देखने में आता है कि रेजर का यूज़ करने पर स्किन पर दाने हो जाते हैं, इसलिए ध्यान रहे रेजर से बालों को साफ करते समय जेल लगाएं और त्वचा को स्ट्रेच करें। इससे आपकी स्किन में जलन भी नहीं होगी और त्वचा भी काफ़ी कोमल रहेगी। स्किन पर वैक्स या रेजर क्या है बेस्ट? हर किसी की त्वचा अलग होती है। स्किन पर भी निर्भर करता है कि इस पर किस तरह के प्रोडक्ट्स या चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपकी स्किन बेहद सेंसिटिव है तो कोशिश करें कि त्वचा पर रोजाना शेव ना करें। वैक्स सबसे बेहतर ऑप्शन रहता है क्योंकि इससे स्किन साफ रहती है और लंबे समय तक बालों की ग्रोथ भी नहीं बढ़ती है। इसके अलावा वैक्स सर्दियों के मौसम में करने से फायदा रहता है। गर्मियों के मौसम की बात करें तो धूप की वजह से स्किन पर टैनिंग की समस्या भी हो आपको छुटकारा मिल सकता है। वैक्स आपकी स्किन पर जमा कालेपन को दूर करने में लाभदायक होता है। इसके अलावा वैक्स या रेजर आपकी स्किन पर नुकसान ना करे तब ही इसका इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।